तो इस बार की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, कहानियों का मिश्रण होने वाला है। ठीक जैसे चीनी, नींबू, नमक और पानी को मिलाते हो तो शरबत बनता है, तो समझ लो मैं आपको आज शरबत पिलाने वाला हूँ। क्योंकि हम जो है हम घूमते रहते हैं और अपने साथ कैमरा हमेशा कैरी करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे फोटेजेस हैं जिनका प्रॉपर व्लॉग नहीं है, पर उनको मिला के एक प्रॉपर व्लॉग बन सकता है। पता नहीं क्यों पर मेरे दिमाग में कुछ दिनों से स्ट्रीट फोटोग्राफी का भूत सवार था, और यह भूत चार फूक से तो उतरने वाला नहीं था। Get out the way. Who got a watch? Who got the time? I'm raising the clock. Even if my feelings grind, don't stop. Got big dreams, one big one. जुबा पे स्ट्रीट फोटोग्राफी का नाम आते सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है सब्जी मंडी, फिर दूसरा जिसे आप रोज देखते हो, उस चीज़ को एक बार नज़रिया बदल के देखो, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनकी आपूर्ति आपको यहाँ से इजीली हो जाएगी। हमें तिरफान जूना जैसे लग रहा है। शरीर को राख कर देने वाली धूप के बाद अब मौसम हम पर मेहरबान था, और अब आसमान में बादल कुछ ऐसे छाए थे कि आप कहो ये मौसम का जादू है। और अब जब मौसम ने अपना जादू चला ही दिया था तो हम भी पहुंचे मौसम का मजे लेने एक लेक पे। क्योंकि अब यहाँ लाइटिंग काफ़ी कम हो गई थी तो हमने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और वहाँ से चलते बने। ऑरेंज वेदर अलर्ट स्टूडेंट 16 स्टेट, जिसमें से अपना स्टेट भी है, और समझ रहे हो आज शाम में कुछ खतरनाक नज़ारा होने वाला है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और अब इस वेदर को देख के मानो सारे एक्साइटमेंट पे बादल फिर गया। बट लकीली उस दिन हमें ट्रेन से कहीं बाहर जा रहा था तो उसे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला। जाहिर नहीं आकिल हूं मैं, आसिम नहीं। जाकिर करे वो जाहिर नहीं।